दीपावली में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए सड़कों पर वाहनों की भीड़ उमड़ रही है। इस कारण यातायात पुलिस भी अब चुस्त दिखने लगी है। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी के नेतृत्व और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के प्रयास जारी है। इसी क्रम में यातायात पुलिस शिवपुरी ने हवाई पट्टी के सामने रोड पर खड़े चौदह ट्रक और डंपर चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 16,000 रुपए समन शुल्क राशि अधिरोपित किया है। बता दें, हवाई पट्टी के सामने रोड पर खड़े होने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध अम्बेडकर कॉलोनी वासियों के द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थी। वहीं चालकों को समझाइश दी गई कि नगर पालिका द्वारा निर्धारित रेत मंडी में ही वाहन खड़े करें और ऐसा न करने पर पुनः वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यातायात पुलिस ने इसी क्रम में नगर पालिका शिवपुरी के साथ संयुक्त भ्रमण कर थीम रोड पर स्थित बैंकों के बाहर अस्त व्यस्त खड़े 28 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 13,000 रुपए समन शुल्क राशि अधिरोपित की और बैंक संचालकों को पुनः सूचना पत्र जारी किए गए और समझाइश दी गई कि बैंकों के बाहर पार्किंग व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था करें। ये देखिए, विगत कई दिनों से ये शिकायतें हवाई पट्टी रोड पर प्राप्त हो रही थी। अंबेडकर नगर करके कॉलोनी है, वहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा कई बार ये शिकायती आवेदन पत्र थाना यातायात पर दिया गया था कि हवाई पट्टी रोड पर रेत और ईंट की जो गाड़ियाँ हैं वो अव्यवस्थित रूप से आम रोड पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को एवं आम नागरिकों को वहाँ से आने जाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में कई बार इन वाहन मालिकों को समझाइश दी गई थी कि आप लोग अपने वाहन आम रोड पर ना लगाएं, नगर पालिका द्वारा रेत मंडी ईंट मंडी के लिए जो आपको निर्धारित स्थान दिया गया है आप अपने वाहन वहीं पे खड़ा करें और वहीं से अपना व्यापार संचालित करें। चूँकि समझाइश के बाद भी कई लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था एवं अपने वाहनों को आम रोड पर ही खड़ा कर रहे थे, तो इसलिए आज यातायात की टीम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक कार्रवाई की है, जिसमें हम लोगों ने 16 डंपर या बड़े ट्रक जो आम रोड पर खड़े होकर यातायात को बाधित कर रहे थे उनको जब्त करके उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को भेज कार्रवाई करके जुर्माना लगाया है। बिल्कुल, जो शहर में जो व्यस्तम मार्ग तीन रोड पर अधिकतम हमारे वित्तीय संस्थान संचालित हैं, यातायात पुलिस द्वारा पूर्व में सभी बैंक संस्थानों को नोटिस जारी करके पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। तो उक्त नोटिस के पालन में बैंक कर्मचारी बैंक मैनेजरों द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, तो आज के दिनांक को यातायात की टीम द्वारा सभी वित्तीय संस्थानों बैंकों के बाहर भी ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो आम रोड पर खड़े हुए हैं और यातायात को बाधित कर रहा है। ऐसे 28 वाहन चालकों के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है और 13,000 रुपये समन शुल्क उन पर लगाया है।